अगर आपके लिए एटसी के शॉप को बनाना चैलेंजिंग है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, ऐसा सीक्रेट प्रोडक्ट आइडिया बताने वाला हूँ, एक नहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट प्रोडक्ट आइडिया बताने वाला हूँ जिससे कि आप 100% अपने शॉप को ओपन कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% होगा, आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर ठीक से करोगे जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, इन सारे स्टेप्स को ठीक से करने वाले हो तो 100% आपका शॉप ओपन होगा। वो सीक्रेट प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री कोर्स चल रहा है जिसका नाम है 5 डेज चैलेंज। तो अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप सीख जाओगे कैसे आपको शॉप ओपन करना है, कैसे अपने एटसी शॉप को स्केल करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूँ आगे भी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू दिस 5 डेज चैलेंज के डे 2 वीडियो में। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सीक्रेट प्रोडक्ट आइडिया फॉर ओपनिंग एन एटसी शॉप। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है, और मेरा ये एक्सपीरियंस अभी तक का कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है सच में 90% से भी ज़्यादा रोल होता है आपके प्रोडक्ट का। आप चाहे कुछ भी सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो चाहे स्टोन है आपका किसी तरह का, या फिर कोई फर्नीचर है हैंडमेड, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है, या फिर कोई भी आपका ज्वेलरी है हैंडमेड वाला, तो आप वहाँ पे लिस्ट करोगे, आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट बाकी सारे सेलर सेल कर रहे हैं लेकिन मैं जब ओपन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो मेरा फेल हो जा रहा है बार बार, बिकॉज 90% से भी ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता, आपका ज्वेलरी का आप शॉप देखोगे कि बहुत सारे शॉप्स हैं लेकिन मैं जब ओपन करूँगी तो मेरा जो है फेल्ड हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहुत सारे शॉप हैं लेकिन मैंने ओपन करा तो मेरा फेल्ड हो गया, क्या रीज़न है? रीज़न ये कि कभी कभी तो देखो प्रोडक्ट आपने डाल दिया लेकिन आपका वेरीफिकेशन का प्रोसेस, कॉल वेरीफिकेशन, उन सब में उनको डाउट लगता है जिसकी वजह से फेल्ड हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया 90% डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, 90%। ठीक है, बाकी सारी चीज़ 10% जो है आपका वेरीफिकेशन, कॉल वेरीफिकेशन और ये वो, उन सब पे डिपेंड करता है, लेकिन 90% आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आप चाहे जितनी बार फेल्ड हो चुके हो अपने शॉप को ओपन करने में, जितनी बार चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, 50 बार हो, आप शॉप को ओपन करने में फेल्ड हो चुके हो, बार बार फेल्ड हो चुके हो, तो इस सीक्रेट प्रोडक्ट आइडिया की वजह से आप 100% आप अपने शॉप को ओपन कर पाओ। अगर वो सीक्रेट प्रोडक्ट आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आपको लग रहा होगा क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होता है, व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स? डिजिटल प्रोडक्ट्स इज़ बेसिकली जो प्रोडक्ट को आपको डिलीवर नहीं करना पड़ता, वो डिजिटल होता है। अच्छा, डिजिटल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी नाम, तो डिजिटल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या डिलीवर नहीं करना पड़ता, उनको मैंने लिस्ट करा, सब प्राइसिंग वगैरह डाली, उसके बाद क्या होता है लोग खरीद रहे हैं, वहाँ के लोगों को ना बहुत मतलब वो होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको क्या खरीदा उन्होंने और सिंपली वो यूज़ कर सकते हैं, उनको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगता है, आसान लगता है डिलीवरी का काम का, जो दिन लग रहे हैं 19-20 दिन 18 दिन लग रहे हैं वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि फटाफट से मेरे पास है, मैंने तुरंत ऐसे सारी चीज़ें करी और मेरे पास ये प्रोडक्ट मेरा बन गया। तो लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेते हैं, इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल किया जाता है और आसान है सेल करना। इसको करके आप खोलोगे ना तो 100% आपका शॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट आप कहोगे यार आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे कॉल पे जवाब दूंगा, मैं कैसे वेरिफिकेशन में लिखूंगा, कैसे मैं सब कुछ करूँगा, मुझे नहीं समझ पता, मुझे नहीं पता कुछ भी, कैसे करूँगा मैं, राइट? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस। एक तो आपको शॉप ओपन करने के लिए अपने फिजिकल प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है चाहे स्टोन है चाहे आपका कोई फर्नीचर या फिर किसी भी तरह का आपका प्रोडक्ट्स है, उसको आप डालो पहले की तरह और करो, और आपका शॉप सस्पेंड हो जाएगा, मतलब स्टार्ट नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे वो लोग और आप बैठ कर रोना, आपका सारा डाटा गया। दूसरा ये है कि आपको डिजिटल का जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कैसे आपको बनाना है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग एक बच्चा भी सीख जाएगा अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा दिन लगाओ, जल्दबाजी कुछ नहीं, ये सोच रहे आप जल्दबाजी में अपने प्रोडक्ट से कर लूँगा तो नहीं होगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट में आपको जो बनाना सिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा आपको, कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कहाँ से करना है, कलर कैसे करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको बस उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, कहीं भी दिक्कत आती है आपको पूछना है। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आपका शॉप
100% ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास दो ऑप्शन है, आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल करना है तो इसके बारे में भी मैंने गाइड किया आपको, लेकिन आपको डिजिटल करना है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिजिकल में आपको गारंटी नहीं दे सकता, बट ये मैं गाइड कर सकता हूँ। गारंटी नहीं दे सकता कि आपका क्या प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता आपका क्या प्रोडक्ट है, तो आपका शॉप ओपन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो डिजिटल में, बट मैं जानता हूँ 110% आपका ओपन होगा, इसको मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आप सही से करोगे तो। ठीक है, अब आपने सोचा चलो ठीक है भाई, मैं फिजिकल छोड़ करके डिजिटल ही करूँगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा तो थोड़ा कर लूँगा, बाकी दिक्कत आएगी मैं पूछ लूँगा, चैट सपोर्ट से बात कर लूँगा और ग्रुप में पूछ लूँगा, किसी ना किसी से कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं बना सकता हूँ आसानी से। राइट, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सच में ऐसा ज़रूरी है यार, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है इतना, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आपके लिए मैं बिल्कुल इजी प्रोडक्ट आइडियाज़ बता रहा हूँ जिसको आप आसानी से बना लोगे, सच में आसानी से बना लोगे। सबसे पहला आ जाता है प्रिंटेबल कार्ड्स। कार्ड्स बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाना है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आप प्रिंटेबल कार्ड्स एक कैटेगरी है, इसके अंदर सब नीसेस में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि थैंक यू कार्ड्स, ठीक है, थैंक यू कार्ड्स, एनिवर्सरी कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, कार्ड्स फॉर कस्टमर्स, कार्ड्स फॉर क्लाइंट्स, कार्ड्स फॉर यू नो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब थैंक यू कार्ड के अंदर थैंक यू कार्ड फॉर कस्टमर, थैंक यू कार्ड फॉर क्लाइंट्स, थैंक यू कार्ड फॉर जैसे कि जब डिलीवरी कर रहे हो तो वहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, तो थैंक यू कार्ड्स के अंदर बहुत सारे आते हैं। जैसे अब कोई फेस्टिवल आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस कार्ड्स, न्यू ईयर कार्ड्स, तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर कार्ड्स होते हैं जो लोग ना मतलब वहाँ के बहुत लाइक करते हैं चीज़ को। अब देखो, मान लो फिजिकल कार्ड को वो करेंगे डिलीवर, उनको लगेगा 10-20 दिन, अब क्रिसमस आ रहा है 3 दिन भागी है, वो क्या करेंगे? आप फास्ट डिलीवरी तो कर नहीं सकते, त्यौहार है तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि यार बहुत सारे डिलीवरी आ रहे हैं तो मैं कैसे डिलीवर करूँगा। एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, और एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। एक बायर क्या कहेगा कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी सामान मिल जाए। वहाँ पर एक थैंक यू कार्ड है जो कि आपको, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड, थैंक यू कार्ड फॉर, मान लो जैसे कि मैं बर्थडे कार्ड फॉर बॉयफ्रेंड, ठीक है, सो बॉयफ्रेंड, तो उसको 3 दिन बाद उसको वो गिफ्ट करना है वो चीज़, थैंक यू कार्ड और एक कार्ड उसको गिफ्ट करना है। अब बर्थडे कार्ड उसको गिफ्ट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। सो बेसिकली बर्थडे कार्ड है वो उसको अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती है, तो वो कैसे होगा फिर? जैसे कि ये बर्थडे कार्ड है तो अब मान के चलते हैं, इसको एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मुझे जल्दी चाहिए चीज़, तो जल्दी मुझे कैसे मिलेगा? मैं जाऊंगा वहाँ पे और मैंने जैसे ऑर्डर करा, ऑर्डर करने के बाद मेरे को तुरंत मिल जाता है वो चीज़। अब मेरे को जैसे तुरंत मिला, अलग अलग उसमें वेरिएशंस होते हैं, जैसे डिजिटल जो बनाते हैं डिजिटल उनको पता होगा, ठीक है, ये तो हमारे सब ओपन करने के लिए, जैसे हमें शॉप ओपन करना है तो उसके लिए सिर्फ ये। तो अब मैंने कार्ड को डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद सिंपली क्या, मैं प्रिंट वाले दुकान पर, प्रिंटर पे, और वहाँ से उनके घर पे ही प्रिंटर बहुत सारे होते हैं, तो घर से ही वो लोग प्रिंट करा और निकाला और दैट्स इट, और एनवेलप में डाला और वो दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये चीज़। ठीक है, अब सेम एग्जांपल दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा प्रिंटेबल वॉल आर्ट्स। अब देखो, वॉल आर्ट में ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं यार, बहुत सारे, आप सर्च करोगे ना जब वॉल आर्ट एटसी पे, तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ना कि पूछो मत। ठीक है, वॉल आर्ट फॉर किड्स, जैसे कि किड्स के रूम होते हैं, किड्स के रूम में बहुत सारे कार्टून्स होते हैं और फनी कुछ होते हैं, कुछ ABCDs होते हैं, कुछ यू नो गिनती होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किड्स को पसंद होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किड्स के रूम में होती है, राइट। सो वॉल आर्ट फॉर किड्स ये एक अलग कैटेगरी है, एक अलग नीच है, वहाँ पर आप बना सकते हो इसके बारे में। ठीक है, आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, वॉल आर्ट फॉर कपल्स, फॉर एग्जाम्पल कपल्स है कोई तो उनके लिए गिफ्ट करना हो। आप देखो, जैसे मैं आपको वॉल आर्ट फॉर कपल्स हो गया, ठीक है, वॉल आर्ट फॉर हस्बैंड वाइफ, डॉग डॉग वॉल आर्ट, मतलब डॉग्स लवर बहुत सारे होते हैं, कैट्स लवर बहुत सारे होते हैं, योगा वॉल आर्ट होते हैं, NATC बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, वॉल आर्ट का फ़र्क क्या है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस आने वाला है। अब क्रिसमस आने वाला, जैसे मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया आपको, क्रिसमस आने वाला, मेरे को चाहिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से मेरे को ये वॉल आर्ट चाहिए, मुझे अपने घर को सजाना है क्योंकि त्यौहार है मेरा। अब मैं ऑर्डर करूँगा तो 20 दिन लगेंगे, अब मेरे को बचा है सिर्फ 3 दिन, तो मैं कैसे करूँगा?
या तो मैं पहले ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मुझे अगर अर्जेंटली इसे मेरे को चाहिए, कुछ नया आइडिया आ गया मुझे ये चाहिए, एटसी पे ढूंढने के बाद वो क्या करेंगे, फटाफट से उनको मिल गया, उसके बाद उन्होंने साइज़ मिल जाता उनको, उसको प्रिंट करवाया और सिंपली फ्रेम में डाला और लगा दिया। उनको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद उनके रिव्यूज़ मतलब उनके रिव्यूज़ जब आते हैं, उनसे जब बातें होती है तो बहुत पता लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये चीज़, ठीक है। तो बायर और सेलर को दोनों को फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ से। ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। आप चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, वो है हमारा SVGs। SVGs बेसिकली क्या होता है, SVGs में ना बहुत सारे SVG आते हैं बेसिकली, जैसे टी शर्ट पर प्रिंटिंग होती है हमारे, है ना, टी शर्ट पर जो टेक्स्ट होते हैं, कोई एलिमेंट होता है, कोई अलग डिज़ाइन होता है, तो वो सारे SVG में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बनाना है सिंपल सा, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा, फॉर्मेट कैसे निकालना है वो बताऊँगा मैं। SVG फॉर टी शर्ट, SVG फॉर मग्स, जैसे मग्स पे होते हैं वो भी SVG होते हैं, SVG फॉर किड्स प्रोजेक्ट एंड ATC, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो कैसे आपको बनाना है ये चीज़, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इन प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब आप शॉप को लिस्टिंग करने जाओगे, और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कॉल पे बात करना है, कैसे आपको सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करनी है, जो भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% योर शॉप विल ओपन। आई कैन गारंटी यू, मैं कह रहा हूँ ना, 100% आपका शॉप ओपन हो जाएगा इफ़ यू फॉलो माई स्ट्रैटेजीज़, इफ़ यू फॉलो माई जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, आपका शॉप ओपन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये चीज़ करना, ठीक है। चलो फिर, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इतनी आसानी तरीके से बताया। तो कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आपको अपना पहला प्रोडक्ट बनाना है, फिर सेकंड प्रोडक्ट, एंड उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है वो सारा होता रहेगा, ठीक है। उसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो उस वीडियो को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बिजनेस है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे स्केल करना चाहते हो, ना कि सिर्फ Etsy पे, बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करना चाहते हो, और ख़ुद की वेबसाइट बनाकर भी हम सेल करते हैं आपके लिए, हेल्प करते हैं बेसिकली, आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो फ्री कंसल्टेशन से ले सकते हो, नीचे आपको लिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, उस पर क्लिक करो और कॉल बुक करो, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस टू द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाओ, और अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित बिले।